जब अफसर खुद को समझने लगा बादशाह, अकबर और ओटू लेक को लेकर फतेहपुर सीकरी। यह वर्ष 1967 की बात है। सिरसा हिसार जिले का हिस्सा था। 1964 बैच के आईएएस राम सहाय वर्मा सिरसा के उपमंडलीय अध्यक्ष थे। सिरसा में एक रोज ओटू लेक पर वर्मा ने एक पार्टी रखी। उस समय ओटू लेक घग्गर नदी के पास एक शांत व मनोहर जगह थी। वर्मा की इस पार्टी में उनकी पत्नी सावित्री के अलावा सिरसा के आला अधिकारी आमंत्रित किए गए थे। खुले में कार्यक्रम था। एक एक्साइज अधिकारी ने कार्यक्रम में विस्की और नॉन वेज का इंतजाम कर दिया। कार्यक्रम में वर्मा सबसे बड़े अधिकारी थे। दो पैक चढ़ने के बाद वर्मा इस पार्टी में सुरूर में आ जाते हैं। उन्हें सिरसा की ओटू लेक फतेहपुर सीकरी लगने लगता है और वे खुद को बादशाह अकबर समझ बैठे। सुरूर उतरा तो जनाब बादशाह की कुर्सी से नीचे उतरे। इस बात का जिक्र खुद वर्मा ने अपनी किताब माई एनकाउंटर्स विद थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा में। दरअसल राम साहेब वर्मा 1964 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। हरियाणा बनने के बाद उनका यहाँ पर तबादला हो। उनकी पहली नियुक्ति सिरसा में उपमंडलीय अध्यक्ष के रूप में हुई। उस समय सिरसा जिला नहीं बना था, ऐसे में वे सिरसा उपमंडल के सबसे बड़े अधिकारी। खास बात यह है कि आईएएस लगने के बाद वर्मा की सावित्री जी से शादी हो गई थी। शादी के बाद वर्मा मंसूरी में ट्रेनिंग के लिए चले गए और उसके बाद उनकी नियुक्ति पंजाब में होगी। ऐसे में विवाह के बाद रस्मि तौर पर कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाना नहीं हुआ। वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि उन दिनों सिरसा में भाखड़ा का पानी आया था, नहरों का जाल बिछ रहा था, सिरसा के पंजुआना में भी नहर निकली थी। पिकनिक मनाने के इरादे से वे ऑफिस से छुट्टी होने के बाद शाम को सावित्री के साथ स्कूटर पर पंजुआना जाते थे। भाखड़ा के नीले पानी में पैर डुबोकर दोनों वहां घंटों बैठे रहते। इसी कड़ी में उन्होंने अपने विवाह को लेकर एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी सिरसा के ओटू गांव के पास घग्गर नदी के किनारे रखी गई। उस समय प्राकृतिक ओटू लेक थी और घग्गर का पानी भी उन दिनों साफ हुआ करता था। विशाल भूमि पर फैली लेक के मैदान में खुले आसमान के तले पार्टी रखी गई। तकरीबन 100 के करीब अवसर व अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया। पार्टी में विस्की बियर का प्रबंध था तो खुले में ही बारबेक्यू, फिश और नॉन वेज बनाने को इंतजाम किया गया था। वर्मा ने खुद बारबेक्यू पर नॉन वेज बनाया, अपने हाथों से मेहमानों को परोसा। दोपहर तक पार्टी शबाब पर थी। वर्मा ने बियर ली और विस्की पी, दो पैक ज्यादा चढ़ गए। वर्मा ने अपनी किताब में जिक्र करते हुए लिखा कि खुले आसमान तले कलकल बहती नदी किनारे मेहमानों के बीच लगी मेजबान की कुर्सी पर वे बैठे थे। वे खुद को बादशाह अकबर समझने लगे थे और ओटू लेक को फतेहपुर सीकरी। उन्हें लगा कि वे बादशाह की कुर्सी पर बैठे हैं और उनका दरबार लगा है। इस तरह के किस